हेलो नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1962 से लेकर या 1950 से लेकर 2027 तक के भारत के समस्त राष्ट्रपतियों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। देखिए, जैसे कि हमको पता है कि भारत आज़ाद हुआ था, तब से लेकर आज तक कम से कम 15 ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने देश की बागडोर संभाली। ऐसे ही हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 1962 तक। इनको 1962 में भारत रत्न मिला। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। 1992 में इनको भारत रत्न मिला। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1967 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मोहम्मद हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। चौथे नंबर के राष्ट्रपति वी.वी. गिरी, जो 24 अगस्त 1972 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पांचवें नंबर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक का था। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पहले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जो मृत्यु को प्राप्त हुई। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फिर इनके बाद में बी.डी. जयंती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अच्छा, 6 नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक का था। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। और 8वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय डाक से संबंधित विधेयक पर वीटो पावर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग करने वाले
ज्ञानी जयलन सिंह जी थे जिन्होंने डाक विधेयक संबंधित प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया। इसके समय 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ। वह इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनकी मृत्यु हो गई इन्हीं के कार्यकाल में, ज्ञानी जयलन सिंह के कार्यकाल में। 90 नंबर के राष्ट्रपति आर वे कंट्रोल। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। आर वे कंट्रमन 25 जुलाई 1982 तक यह राष्ट्रपति रहे। 1984 से 1987 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति रहे। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति से जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। आर वे कंट्रमन के द्वारा इनका इतना लंबा कार्यकाल था या इनके कार्यकाल में इतने प्रधानमंत्रियों का स्थानांतरण हुआ कि यह एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने बहुत से राष्ट्रपतियों को, बहुत से प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1962 से 25 जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति रहे। इससे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राज्य की विधानसभा को संबोधित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे। 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत प्राप्त की। वैज्ञानिक होने के बाद भी सर्वाधिक मतों से जीत प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का इनका कार्यकाल रहा। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जो महिलाएं थी। यह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। देखिए ये वर्ड है सुखोई विमान, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति जो कोई विमान चालक थी या सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। प्रणव मुखर्जी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1947 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया। 2008 से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो पद्म विभूषण है इनसे इनको सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद 14वें भारतीय राष्ट्रपति 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले यह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। यह 25 जुलाई 2022 से अब तक नहीं, मतलब कि 2000
अगर कह नहीं सकते, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल तो 2027 तक का कार्यकाल रहेगा। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति थी, यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो देखिए इस नवीनतम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ। झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 तक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत का है कि इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र का एक प्रमुख होगा जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटिश के सम्राट के समान होगा। मतलब राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का नाम मात्र प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव मंडल राष्ट्रपति का चुनाव होगा। निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया और राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यह आयरलैंड से ली गई। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 पूर्ण निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता या अर्हता है जो 35 वर्ष की आयु होती है। अनुच्छेद 59 पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग। तो देखिए मैंने आपको भारत के 1950 से लेकर 2022 तक के राष्ट्रपतियों का उल्लेख एक ही वीडियो में याद करवा दिया है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को ज्वाइन एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।